Right. In view of NEP 2020 implementation, and we felt that we need to work on those regulations to make them light but tight, so that these new regulations will facilitate the establishment of many more deemed to be university across the country in emerging areas, because we have a great need to have more universities and educational institutions in the country to take care of the aspirations of our students. So we formed an expert committee, and the expert committee looked at all the aspects of the current needs, and then they have come up with this regulation, and it was passed in the commission, and today we have presented it to the Honorable Minister. UGC ko dhanyavaad deta hoon. Unhone desh ki राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अलाइनमेंट में डीम टू बी यूनिवर्सिटी व्यवस्था के तहत रेगुलेशन में मॉडिफिकेशन किया, एक प्रकार से फ्रेश सेट ऑफ रेगुलेशन लाया, लाइट बट टाइट। यूनिवर्सिटी गवर्नेंस में अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की स्तर पे डीम टू यूनिवर्सिटी की गवर्नेंस को भी अलाइन करना, देश में नई इंस्टीट्यूशंस को जिनकी न्याक में उच्च मानक है, ए ग्रेड है, या एनआईआरएफ में जो अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, ऐसे मान्यता के ऊपर नए इंस्टीट्यूशन भी डीम टू यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेंट हो सकते हैं। एक रोबस्ट सिलेक्शन प्रक्रिया के माध्यम से, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रक्रिया के माध्यम से ऑब्जेक्टिव तरीके से नए इंस्टीट्यूशंस को चुनने की व्यवस्था किया गया है। जितना कम ह्यूमन इंटरवेंशन हो, ऑब्जेक्टिव तरीके से उनको चयन हो पाए, इसकी सारे व्यवस्था यूजीसी ने इस रेगुलेशन में रखा है। देश की बदलते हुए परिस्थिति में जो इमर्जिंग एरिया है, डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में ऐसे एरिया को जैसे स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, लैंग्वेज सेंट्रिक यूनिवर्सिटी, इंडियन कल्चर हेरिटेज, इंडियन कल्चरल प्रिजर्वेशन सेक्टर, ऐसे निश इलाका में जो पुराने और क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, किसी को ऑटोनोमस स्टेटस है, किसी को ऑटोनोमस स्टेटस नहीं है, ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस भी अगर मानक पूरा करते हैं तब उनको भी डीम टू यूनिवर्सिटी कैटेगरी में अगर वो प्रोसेस में आते हैं तो उनको भी यहाँ मान्यता देने की व्यवस्था किया गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो एनईपी की एक प्रमुख रिकमेंडेशन है, ये डीम टू यूनिवर्सिटी में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा, ट्यूनिंग ऑफ प्रोग्राम्स, जॉइंट डिग्री, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स, ये सारा विषय डीम टू यूनिवर्सिटी की नया रेगुलेशंस में रखा गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ यूजीसी की चेयरमैन तथा उनके एंटायर टीम को, उन्होंने देश में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए एक समय उपयोगी इनिशिएटिव लिया है। इसके कारण जो एग्जिस्टिंग डीम टू यूनिवर्सिटी फंक्शन कर रहे हैं, इनकी भी क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क का इम्प्रूवमेंट होगा, एक इन्फॉर्मिटी आएगा, एक गवर्नेंस मॉडल आएगी, और इसमें
लाभार्थी स्टूडेंट्स होंगे, जिसमें नया रिसर्च हो, नया इमर्जिंग एरिया में पढ़ाई हो, ये देश की आवश्यकता है। ये रेगुलेशन 2023 के नाम पे नामित होगा, डीम टू यूनिवर्सिटी रेगुलेशन 2023। ये इसके एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा। जब हमारी नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन आने वाला है, उस दिशा में ये एक बहुत बड़ी स्टेप्स है।